बिजली की अघोषित कटौती से आर के पुरम वासियों में आक्रोश, जन सुनवाई में की शिकायत। बिजली की अवैध कटौती से आर के पुरम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। इसी के चलते आज इस जन सुनवाई में अपने और अधिकारियों को अवैध कटौती के बारे में अवगत कराया, जल्द ही समस्या हल करने की मांग की। रहवासियों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक अघोषित लाइट कटौती की जाती है। साइंस कॉलेज के सामने कुछ लोग लाइन से डायरेक्ट तार डालकर हीटर चलाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि जहाँ लोग समय पर बिल जमा कर रहे हैं उन्हें इस लाइट की कटौती की परेशानी उठाना पड़ेगी। हमने कई बार विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हो पा रही, इसलिए लाइन से सीधे तार डालकर हीटर जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अघोषित बिजली कटौती बंद करवाई जानी चाहिए। मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। कहाँ से आए हो? हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आए हैं जी। आज कलेक्ट्रेट आदि क्या समस्या लेके आए थे? आज कलेक्ट्रेट आने का हमारा मुख्य उद्देश्य और हमारी मूल महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कई सारे लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हाउसिंग बोर्ड में निवासरत सभी बिजली धारक जो कि अपना बिल समय पर देते हैं, उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अवैध कनेक्शन जो लोग लिए हुए हैं और डायरेक्ट लाइन डाले हुए हैं, उनके कनेक्शनों पर विद्युत विभाग कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है, और हाउसिंग बोर्ड से डेली सुबह 5 बजे से लाइट काट करके 12 बजे तक लाइट डिस्कनेक्ट रहती है, जिसके कारण कई सारे लोगों को कई समस्याएँ सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सुबह लाइट ज़रूरी है, स्कूल जाने का काम रहता है, महिलाओं को काफ़ी सारे काम रहते हैं। तो हमारा निवेदन आज ये था कि आप वैधानिक कार्रवाई जो भी अनुचित कार्य कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर करें, और जिससे कि हाउसिंग बोर्ड के निवासियों को थोड़ा आराम मिले, राहत मिले। कौन कौन से क्षेत्रों की लाइट जाती है जी? अभी वर्तमान में संजय कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, साइंस कॉलेज के सामने शांति नगर कॉलोनी, इस तरफ की फीडर की पूरी लाइट कट जाती है। कितने बजे से कितने बजे तक कटती है? सुबह 5 से 12 कभी भी काट देते हैं वो लोग, रात में भी काट देते हैं, शाम को भी काट देते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कभी भी परेशान कर देते। तो अभी क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से? अभी हमारी एक श्रीवास्तव जी से बात हुई थी, मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने नाम ना बताते हुए मुझे बताया कि आपकी कार्रवाई कल हो जाएगी, आप संतोष रहे, कल तक आपके समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। श्रीवास्तव नाम है।